मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर करेंगे और हम अपना नया चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों वो है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो चैप्टर है बच्चों, ये 11th के लिए और बीकॉम फर्स्ट ईयर प्रोग्राम एंड ओनर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग करूँ तो बच्चों 11th क्लास का जो ये सिलेबस है इसका, ये 10 to 12 मार्क्स में आता है और बीकॉम के लिए ये 15 मार्क्स में आता है और ऑनर्स वालों के लिए भी 15 मार्क्स या 10 मार्क्स उनकी वेटेज होती है। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बच्चों फाइनल अकाउंट। टेक्निकली इसका नाम होता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। हम बच्चों जो फाइनल अकाउंट सीख रहे हैं, फाइनल अकाउंट दो केसेस में बनता है, एक कंपनी के केस में भी बनता है और एक प्रोप्राइटरशिप के केस में भी। तो जो हमारे कोर्स में है 11th के, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। तो आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे, फाइनल अकाउंट मैंने नाम दिया, ऑब्लिक किया मैंने और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। चलिए, तो मेरा सबसे पहला इसमें जो मेन वो है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, वो है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। भैया डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसमें, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमें कौन कौन सा अकाउंट बनाना होता है। एक तो हमें बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, इसके अंदर एक P&L और फिर बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे और उसके लिए बेसिकली हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की नीड होती है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैंने एक लिस्ट लिखी है आप लोगों के सामने, यही डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों। इसके अलावा जो भी आपको अवेलेबल होंगे या जो भी गिवन होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम P&L में चार्ज, सॉरी ट्रेडिंग में चार्ज नहीं करते। हम ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चार्ज करते, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक लिस्ट है, हो सकता है मैं एक अक मिस कर रहा हूं, ठीक है, तो बट मैंने ओवरऑल पूरी लिस्ट लिखी। इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस मिलेंगे वो इनडायरेक्ट है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि आपके पास एक सेफर साइड ये है कि आपको ये एक्सपेंस याद है तो आप इजिली कर लोगे। बिकॉज ऑफ मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जो हमारे ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इनकी लिस्ट एक मिनिमाइज लिस्ट है। जैसे मैंने आपके सामने 17 रखे हैं, एक आप मेरे से मिस हो रहा होगा तो हम क्वेश्चन में कवर करा देंगे। इसके अलावा बट अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात बोलूं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं बच्चों। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने होते हैं हमारे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे लगभग मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकता, अनकाउंटेबल। कि कोई भी एक्सपेंस होगा इनके अलावा वो इनडायरेक्ट ही होगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी कोई बेसिकली लिमिट है या नहीं। हाँ, बट डायरेक्ट एक्सपेंस की एक लिमिट है और डायरेक्ट एक्सपेंस किसमें चार्ज होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए, अब मैं इन एक्सपेंसेस के बारे में आप लोगों को बता दूं तो बहुत सारे बच्चों को पता ही है इन एक्सपेंसेस के बारे में। एक बार आप रीड कर लीजिए इन्हें और देख लीजिए कौन कौन ऐसे एक्सपेंस है। हाँ, ये आपको याद ही करने हैं और कोई आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर ये आपको ऑन टिप्स याद है, बिल्कुल ऑन टिप्स, तो फिर समझ लो आपका काम बन गया। अगर ऑन टिप्स याद है तो बहुत ईजिली आप सीख जाओगे फाइनल अकाउंट, जो कि बच्चों 15 मार्क्स का चैप्टर है। और प्रोग्राम जो बीकॉम प्रोग्राम ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों आप लोगों को भी याद करना। और आई नो आपने 11th क्लास में से याद किया है बट आप भूल गए होगे कुछ या बेसिक पॉइंट, बट मैं पहले बेसिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, फिर बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स और 11th वालों के लिए जो एडवांस लेवल है आपका एक्चुअली वो कराऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, आज ये सारे एक्सपेंसेस के बारे में मैं डिस्क्लोज करूंगा आपको अभी, और उसके बाद हम अपना आज की क्लास में बसते हो सिर्फ और सिर्फ हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट एक बहुत छोटा सा पोर्शन है जो कि बहुत जल्दी हो जाता है। चलिए, तो अब मैं डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिए हैं, आप लोगों ने भी लिख लिया, मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहला एक्सपेंस है हमारा वेजेस। वेजेस आप लोगों को पता है बच्चों, वेजेस हम कब पे करते हैं? वेजेस हम पे करते हैं बच्चों जो हमारी अनस्किल्ड एम्प्लॉइज होते हैं उनको, जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट में वर्किंग है तो हम उनको वेजेस पे करते हैं। उसके बाद है हमारा सैलरी एंड वेजेस, सेम एज सैलरी हम मंथली, जो हमारे स्किल्ड एम्प्लॉय होते हैं नॉर्मली तो हम स्किल्ड एम्प्लॉय को ही पे करते हैं और वेजेस पे करते हैं अनस्किल्ड एम्प्लॉय को। तो कंफ्यूजन को आपको क्रिएट करता है इस तरीके से वेजेस एंड वेजेस एंड सैलरी, तो बोथ आर डायरेक्ट एक्सपेंस बच्चों। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट आपको डिस्क्लोज करूंगा यहाँ पे कि अगर सर हमारा सैलरी एंड वेजेस लिखा हो तो क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। बच्चों सैलरी इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस और उसके बाद हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस का पोर्शन नाम जड़वा, बट इसको हम कंसीडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही करते हैं, ठीक है बच्चों? यानी आपका वेजेस एंड वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट,
उसके बाद कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ये तीनों के तीनों बच्चों ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्सपेंस है। मैं कैरेज की बताऊं, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, कैरेज हम बच्चों कब पे करते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्सपेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, जो बच्चों हमारा ये ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, ठीक है ना। जैसे कैरेज, कैरेज हम कब पे करते हैं, जब बच्चों मोटर व्हीकल यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपने कुछ गुड्स मंगाए, उसके लिए ट्रांसपोर्ट का जो मोड यूज हुआ है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट का मोड यूज हुआ है, वो मोटर व्हीकल वगैरह हुआ है, जैसे ट्रक वगैरह से, टेम्पो वगैरह से मंगाए। बच्चों कार्टेज, कार्टेज भी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, मैंने जैसे कि बोला, बट यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोर्ट का मोड है वो क्या है बच्चों, हाँ बच्चों वो हमारा मैन पावर यूज हुई है, जैसे रिक्शा, ठेला, बैलगाड़ी, इस तरीके का। और फ्रेट हम जब पे करते हैं, जब हम रेलवे वगैरह से या फिर शिप वगैरह से या एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, वहां से हम अगर हमारे गुड्स आ रहे हैं, तो जो उस ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारे एक्सपेंस हुए उसे हम फ्रेट कहते हैं। बट बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ऑल आर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद आता है कैरिज, कार्टेज, फ्रेट इन वर्ड। बच्चों वो आपको कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, आपने याद कर लिया कैरिज, कार्टेज, फ्रेट, कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। बच्चों सर हमें याद है, सर हमें याद है, बहुत अच्छी बात है, बट वो क्या करेगा एग्जाम में, कैरेज इनवर्ट, कार्टेज इनवर्ट या फ्रेट इनवर्ट, इसलिए मैंने इसे दोबारा लिख दिया है कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। वो आपको ऐसे भी दे सकता है कैरेज इनवर्ट या कार्टेज इनवर्ट या फ्रेट इनवर्ट, ठीक है। फिर मैंने दोबारा अगर आप देखें तो फिफ्थ नंबर पे दोबारा लिखा है कैरेज, कार्टेज, फ्रेट ऑन परचेज। इसका मतलब क्या है, वो आपको इस तरीके से भी कह सकता है कैरिज ऑन परचेज, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, या कार्टेज ऑन परचेज या फ्रेट ऑन परचेज। तो बेसिकली ये एक ही टाइप के एक्सपेंस है, बट इनको अलग अलग तरीके से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में देता है। हाँ इसके अलावा कैरिज से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस आएगा, याद रखना बच्चों वो इनडायरेक्ट होगा। जैसे कैरिज इनवर्ड की जगह आउटवर्ड लिखाओ, क्या लिखाओ बच्चों, कैरिज आउटवर्ड, तो समझ जाना वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बस यही डायरेक्ट है, मैंने आपको बता भी दिया कि वो किस किस तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। चलिए उसके बाद है पैकिंग चार्जेस ऑन परचेज। बच्चों रियल मैं आपको एक डेफिनेशन देना चाहूंगा, एक तो आपको आइटम तो कॉन्सेप्ट्स याद करनी ही है, बट एक नॉर्मली सी डेफिनेशन है, परचेज और परचेज से रिलेटेड ऑल एक्सपेंसेस जो परचेज की वजह से हो रहे हैं, ऑल आर डायरेक्ट, और गुड्स को मैन्युफैक्चर करने तक, जब तक हमारा गुड्स कंप्लीट फिनिश गुड्स नहीं बन जाता, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक बनने तक जो भी एक्सपेंसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये वही लिस्ट है आपके सामने। हाँ वो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि वो कह देगा कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या परचेज पे एक्सपेंस हुए, तो आप याद रखना, ठीक है सर हम याद रखेंगे, वेरी गुड बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, फ्यूल, पावर एंड गैस डायरेक्ट है हमारा, ये आपको पता ही होगा फ्यूल, पावर, गैस क्या होता है। उसके बाद है हमारा ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों हमारा। बॉक्सेज एंड लेबर, हाँ बच्चों ये भी डायरेक्ट है, जो हम गुड्स टोल टैक्स वगैरह हमारा एक करेंगे स्टेट से दूसरी स्टेट को क्रॉस करते हैं तब, और ऑक्ट्रॉय उसका ट्रेडिशनल नेम है। जैसे अगर आप, मैं कहूँ कि ऑक्ट्रॉय का मॉडर्न नेम क्या है, तो टोल टैक्स। अब टोल टैक्स आप लोगों ने सुना भी होगा, बट ऑक्ट्रॉय नहीं सुना होगा, क्योंकि बच्चों ये ट्रेडिशनल नेम है। उसके बाद आता हमारा मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसिव। आपका जो भी मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्ट, सेम वर्ड है, मतलब दोनों की मीनिंग एक है, पर हमने वर्ड अलग अलग करके, तो मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस या प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। उसके बाद आता हमारा रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। सर हमें ना प्लीज एक चीज डिस्क्लोज कर दीजिए, ये रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या होता है। बच्चों बेसिकली रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे उन एक्सपेंसेस से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, बट मेरे कंपनी की इतनी ज्यादा मार्केट में रेपुटेशन या गुडविल नहीं है, तो मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहा, तो मैंने क्या करा, एक बड़े ब्रांड के साथ कोलेब्रेशन किया। जैसे कि मान लीजिए मैं कार बनाना, मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर, मेरी कार बहुत अच्छी है, ये किसको पता है, जितने भी अदर कंपटीटर्स हैं मार्केट में या मैन्युफैक्चरर है कार के, बट पब्लिक नहीं जानती, वो कहती भैया पता नहीं कौन सी कार आ गई, कोई संदीप लिमिटेड की कार आई है। बट हाँ जो बाकी बिजनेसमैन है जो कार के कंपटीशन है, उन्हें पता है कि बहुत अच्छी कार बनाई है और बहुत ज़्यादा क्वालिटी है इसमें। तो अब बट मेरी कार तो सेल नहीं हो रही बिकॉज ऑफ गुडविल, मार्केट वैल्यू, मार्केट इमेज। तो मैंने क्या करा, टाटा वालों के पास गया और मैंने कहा सर आपकी कार तो इतनी ज़्यादा बिक भी नहीं रही और मेरी कार की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक बार आप प्लीज़ मुझे अपना नाम यूज़ करना है तो मेरी इस कार पे। तो वो कहते हैं ठीक है,
उन्होंने देखा कि हाँ भाई ट्रस्टेड चीज़ है, हमारा नाम इनके साथ लगेगा तो वेस्ट नहीं होगा, या हमारी मार्केट खराब नहीं होगी उतना हमारी मार्केट अच्छी होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने कार पे टाटा का नाम यूज कर सकते हो, अब वो मुझे फ्री में तो यूज करने नहीं देंगे, तो क्या होगा जितनी भी कार मैं प्रोड्यूस करूंगा उस पे वो कुछ पोर्शन प्रॉफिट का लेंगे मेरा। तो दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन बच्चों। हम जब किसी बड़े ब्रांड का नाम यूज करते हैं और वो बड़ा ब्रांड हमें अलाउ कर देता है कि हाँ आप नाम यूज करिए, बट उसके बिहाफ में वो कुछ हमसे चार्ज करेगा, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। उसके बाद बच्चों फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस, ये याद रखना बच्चों, ये फैक्ट्री वाटर, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री इंश्योरेंस और कोई भी अगर फैक्ट्री वर्ड आ जाए तो समझ लेना डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर यही एक्सपेंस फैक्ट्री वर्ड नहीं है तब गिवन है तो समझना ऑल आर इनडायरेक्ट, अगर फैक्ट्री वर्ड लगा है तो ये डायरेक्ट है और फैक्ट्री वर्ड नहीं है तो ये इनडायरेक्ट है। तो याद रखना फैक्ट्री इंश्योरेंस होना चाहिए, फैक्ट्री वाटर, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, तभी डायरेक्ट। अगर ये फैक्ट्री नहीं लिखा और लिखा वाटर इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस तो ये ऑल आर इनडायरेक्ट। ठीक है क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? हाँ सर हमें याद है, कोई बात नहीं बच्चों ये लीजिए। उसके बाद है 14 में सन्ड्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंदर क्या होता है छोटे मोटे खर्चों को या बहुत सारे खर्चों को एक साथ ग्रॉसअप कर दिया जाता है, तो वो आपको एग्जामिनर जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए सन्ड्री डायरेक्ट एक्सपेंस दे देगा, ऐसे लिख के दे देगा, ठीक है ना। उसके बाद है एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। चलो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, हालांकि अभी अभी ये रिसेंटली चेंज हुआ है कि आप लोगों को पता होगा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है, तो जीएसटी जब एप्लीकेबल हुआ बच्चों तो कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया गया है, अब एक नया टैक्स है जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है बच्चों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये एप्लीकेबल कब हो गया? बच्चों आप नन्हे नन्हे हो ना, ये अभी एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई से। हाँ तो इससे पहले हम एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी चार्ज किया करते थे, बट क्योंकि अब जीएसटी का कॉन्सेप्ट आ गया तो ये दोनों टैक्सेस गवर्नमेंट ने खत्म कर दी, पूरी तरीके से इनको हटा दिया गया है, तो अब क्या लगेगा? जीएसटी। बट सर आपकी जो बुक पब्लिश हुई है वो 1 अप्रैल को हुई है, ठीक है, जो लॉ एप्लीकेबल हुआ है जीएसटी का वो 1 जुलाई को एप्लीकेबल हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी? सर हम जीएसटी लिखे हैं, एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी, याद रखना बच्चों एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ बट अगर एग्जाम में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा है तो वो भी डायरेक्ट है, बस ये देख लेना गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस पे है। बट आपके क्वेश्चन में हो सकता है एक्साइज ड्यूटी लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी बुक पब्लिश हो चुकी थी, शायद आपके एग्जामिनर भी यही लिख दें ये एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी वगैरह करके, तो इसलिए कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी डायरेक्ट है, बट मुझे नहीं लगता ये अब एप्लीकेबल होगा, बट बुक क्योंकि पब्लिश हो चुकी है इसलिए आप इसी को कैरी ऑन करना, अगर आ जाए तो, अगर ना आए तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो अच्छी बात है बच्चों। और जीएसटी अगर आ जाए, जीएसटी ऑन परचेज, तो जीएसटी ऑन सेल, जीएसटी ऑन सेल ये याद रखना इनडायरेक्ट है बच्चों, बट अगर जीएसटी ऑन परचेज हो तभी डायरेक्ट होता, तभी लेना। ये लो मैंने ये क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट आपको। चलिए उसके बाद है हमारा हॉलेज एंड ओवर हॉलेज। हॉलेज एंड ओवर हॉलेज बच्चों क्या है इसका, आप लोगों को इजी वाला नेम बताऊं? चलिए मैं इजी वाला नेम बताता हूं, लोडिंग चार्जेस एंड अनलोडिंग। ओहो ये बात है बच्चों, बात तो यही है, वो जानबूझ के ऐसे नाम देगा कि आप समझ ना पाओ, ये ट्रेडिशनल नेम है हॉलेज एंड ओवर हॉलेज, एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग हमारा मॉडर्न नेम है, बेसिकली हम लोडिंग अनलोडिंग से बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, बट हॉलेज एंड ओवर हॉलेज है इसका एग्जैक्ट नेम, ट्रेडिशनल वर्ड। उसके बाद है एनी फैक्ट्री प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस। कोई भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस या प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस आए तो समझ लेना वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर है? मैंने सारे एक्सपेंस डिस्क्लोज कर दिए बच्चों, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उस एक्सपेंस के बारे में डिटेल दे दूंगा। तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस ये कंप्लीट हो गए बच्चों, आज हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे, हमारा यही काम है आज का, हम अपनी फर्स्ट
क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे, क्योंकि बच्चों अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आ गया तो समझ लिए आधा काम तो आपका आसान हो गया। बेसिकली हमें कितने अकाउंट सीखने, सर आपने तो बताया हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट ये सीखनी है। हाँ बच्चों तीनों सीखनी है, बट हम पहली क्लास में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग सीखेंगे, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको ट्रेडिंग अच्छी तरीके से आ गया तो क्वेश्चन खत्म है, समझो फिर तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें। और ये डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट है और ये आपको पक्का पक्का याद ही करनी होगी। चलिए तो मैं रब कर रहा हूँ, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया सबने? सर हम तो आपसे पहले नोट डाउन करके बैठे हैं। हाँ बच्चों ये भी बात सही कह रहे हो, तुम लोग बहुत तेज हो। चलिए रब कर देते हैं। कुछ बच्चों के स्कूल में फाइनल अकाउंट अगर स्टार्ट हो गया है तो मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मेरे वाले बेसिक पॉइंट को आप ध्यान से समझिए, आपको बहुत जल्दी आ जाएगा फाइनल अकाउंट। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास के लिए, और जो बीकॉम प्रोग्राम ऑन ऑनर्स वाले बीकॉम फर्स्ट ईयर वो बच्चे भी ध्यान से सुन ले, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि उन्होंने 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है, पर कोई बात नहीं हम दोबारा सीख लेंगे सर। ठीक है ये लीजिए बच्चों, हमारे सामने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आ गया। सर आपने ना क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं बच्चों अभी ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सीख ले। मैं आपको बेसिकली क्या सिखा रहा हूँ, अभी फॉर्मेट बनाना। हाँ सर हमारे स्कूल में ना ट्रेडिंग अकाउंट यूज हो स्टार्ट हो चुका है ये चैप्टर। हाँ बच्चों फिर सर मैडम तो हमारी कंबाइंड अकाउंट बना रही है, वो क्या करते हैं ट्रेडिंग पीएनएल एक साथ बनवा देती है। ठीक है बच्चों मैं भी आपको कंबाइंड सिखा दूंगा, बट बेसिकली हम अपना अभी ट्रेडिंग अकाउंट सर सेपरेटली सीखते हैं, इसके बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट हो जाए। जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो हमारी सेकंड क्लास होगी फाइनल अकाउंट की, उसमें मैं आपको कंबाइंड ही सिखाऊंगा, डोंट वरी। ये लीजिए बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना दिया। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ इतनी ही चीजें आती है। फर्स्ट नंबर पे आपको इसे रखना है बच्चों, सेकंड नंबर पे इसे, थर्ड नंबर पे इसे, और फोर्थ नंबर पे इस वाले पॉइंट को। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर हमने नंबर वन पे ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, बच्चों मैं जैसे लिखवा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाना है, आपके मैम कुछ भी कहें आपको कोई फिक्र नहीं है, आप टेंशन मत लो, आपका पूरा क्वेश्चन सही होगा, आप जाके मैडम से लड़ भी सकती हो इस बात पर। सबसे पहले पॉइंट पे ओपनिंग स्टॉक, सेकंड पे ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं 3 4 1 2, ये बिल्कुल ऐसे ही आने चाहिए। इसके अलावा इस अकाउंट में कुछ भी नहीं आता, मैंने 1 2 4 जो लिखा है इसके अलावा इस अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट आपको अभी याद करवाई है मैंने सारे बच्चों को। हाँ सर अभी हमने याद नहीं करी, बच्चों ऑन टिप्स पे रख लीजिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट। अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट अच्छी तरीके से याद है तो आपको कुछ भी नहीं करना। डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट याद है, पहले नंबर पे ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ही ड्रॉप किया, ट्रेडिंग अकाउंट पहले का ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेज, फिर सेल्स, लास्ट सेल्स रिटर्न एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद सारे के सारे एक एक करके डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ एक छोटी सी चीज और देख लीजिए, आप लोग इसमें गड़बड़ करते हैं बच्चों, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न का अनदर वर्ड नाम क्या है, सेल्स रिटर्न का अनदर नेम है बच्चों रिटर्न इनवर्ड, और परचेज रिटर्न का अनदर नेम क्या है रिटर्न आउटवर्ड। भैया सेल्स रिटर्न का बैलेंस बच्चों डेबिट होता है और परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है आपको कंफ्यूज कर देता है, ना तो वो परचेज रिटर्न बोलता है, ना ही सेल्स रिटर्न बोलता है, और ना ही रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड बोल देता है, वो सिंपली लिख देता है रिटर्न और दे देगा बैलेंस क्रेडिट, लिख देगा रिटर्न और बैलेंस दे देगा डेबिट। तो आप समझ जाना पर रिटर्न क्रेडिट बैलेंस है वो परचेज रिटर्न है, रिटर्न डेबिट बैलेंस है तो वो बच्चों हमारी सेल्स रिटर्न। क्लियर? चलिए तो फॉर्मेट जल्दी से बना लीजिए, हम अपना नया क्वेश्चन करेंगे। हम आज एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन भी करेंगे हम, जिसमें मैं आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तो ये फॉर्मेट आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो तो मैं रब कर दूं बच्चों, पूरा रब कर दूं। चलिए तो मैंने इसे रब कर दिया। हाँ मैं एक क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये लीजिए बच्चों,
क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, हम लोग ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन एक। चलिए बच्चों, हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। सर आपका क्वेश्चन तो ये रहा। हाँ बच्चों क्वेश्चन है, बट देखो बच्चों मैंने कितनी चीजें, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी, मैंने क्वेश्चन ना आपको पढ़ाया ना मैंने क्वेश्चन पढ़ा, पर मैंने कितनी चीजें लिख दी, एक ये लिख दी बिना देखे, एक ये लिख दी और एक ये, एक ये, एक ये। मतलब सर हम जब भी फॉर्मेट बनाएंगे तो हम इन सारी चीजों को बिना क्वेश्चन पढ़े लिख दें? हाँ बच्चों, आप इन आइटम्स को जो मैंने सबसे टॉप पे रखी है बिना क्वेश्चन को पढ़े लिख देना। लिख दिया सबने? चलिए, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, और मैंने वो चार आइटम्स ही बोली थी आपको जो आपको बिना क्वेश्चन पढ़े लिख देने। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने खुद ड्रॉ किया, जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ बस आज हम ट्रेडिंग अकाउंट बना सकेंगे, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। पहली हमारी परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, फ्रेट ऑन परचेज, वेजेस, लोडिंग चार्जेस, बॉक्सेस एंड लेबर, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग एंड ऑक्ट्रॉय। तो मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा बच्चों अभी, अब पढ़ा, और उससे पहले मैंने ड्रॉ कर दिया था ये पूरा फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के एक एक आइटम पढ़ेंगे और जहां प्लेस होनी चाहिए वहां आएंगे। ये चार चीजें इसी तरह से प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो शुरू करते हैं, चलो परचेज ये लीजिए 60,000 बच्चों। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, ओ सॉरी मैंने ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर दिया, ये लीजिए। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा, परचेज हमारा 60,000। सर आपने परचेज को आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिखा? बच्चों हो सकता है ना मेरे क्वेश्चन में परचेज रिटर्न हो, तो इसलिए मैंने उसको आउटर कॉलम में नहीं लिखा। चलिए ओपनिंग स्टॉक 10,000 ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखते हैं। उसके बाद है सेल्स, सेल्स को इनर कॉलम में। सर हम सेल्स को सेम एज परचेज की तरह इनर कॉलम में लिखेंगे जब तक उसकी रिटर्न ना मिल जाए। यस बच्चों वेरी गुड। आगे चलते हैं फ्रेट ऑन परचेज। तो अब आपको डायरेक्ट एक्सपेंस ध्यान रखना है। क्या फ्रेट ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है? हाँ सर याद है। ठीक है बच्चों आपको याद है तो लिख देता हूं मैं, फ्रेट ऑन परचेज। हाँ फ्रेट ऑन परचेज कितना है बच्चों? फ्रेट ऑन परचेज देखिए क्वेश्चन में 5,000। उसके बाद वेजेस, क्या वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है? हाँ सर वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेरी गुड बच्चों, आपने क्या लिस्ट याद कर ली है क्या इतनी जल्दी? वेरी गुड। तो वेजेस है हमारा बच्चों 10,000। उसके बाद है लोडिंग चार्जेस। सर हमें याद है लोडिंग चार्जेस का ट्रेडिशनल नेम सर हॉलेज है। हाँ बच्चों आपको याद है, वेरी गुड। हम बच्चों लोडिंग चार्जेस के जगह इसका नाम और क्या क्वेश्चन में गिवन हो सकता है आपको? हॉलेज। तो हमारे क्वेश्चन में लोडिंग है तो हम लोडिंग लिखेंगे, लोडिंग चार्जेस। हाँ लोडिंग चार्जेस कितना है? 5,000। चलिए उसके बाद देखिए बॉक्सेस एंड लेबल। याद करिए लिस्ट में जो मैंने आपको लिस्ट लिखवाई थी, क्या बॉक्सेस एंड लेबल डायरेक्ट एक्सपेंस है? हाँ सर बॉक्सेस एंड लेबल डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये लीजिए बॉक्सेस एंड लेबल कितना है बच्चों? हाउ मच? 3,000। उसके बाद देखिए बच्चों फैक्ट्री इंश्योरेंस। तो फैक्ट्री बच्चों याद रखना क्या बोला था, फैक्ट्री वर्ड आ गया, फैक्ट्री वर्ड आ गया तो ऑलरेडी वो एक्सपेंस डायरेक्ट हो गया। ये लीजिए फैक्ट्री इंश्योरेंस। हाँ बच्चों फैक्ट्री इंश्योरेंस है 7,000। चलिए उसके बाद है फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री वर्ड है बच्चों याद रखना, फैक्ट्री लाइटिंग। चलिए फैक्ट्री लाइटिंग है 7,000 के बाद है 5,000। उसके बाद है बच्चों ऑक्ट्रॉय। चलिए सारे बच्चों मुझे जल्दी से बताइए ऑक्ट्रॉय का मॉडर्न नेम क्या है? आधे बच्चे पेज पलट रहे हैं, वीडियो पीछे कर रहे हैं, बच्चों मत करो। आप लोग जो मैंने आपको डायरेक्ट की लिस्ट लिखवाई है प्लीज याद करिए, वरना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हमारी ये फाइनल अकाउंट बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, फ्री के नंबर है ये तो 15 नंबर। हाँ याद आया सबको ऑक्ट्रॉय का बच्चों हमारा जो मॉडर्न नेम है वो टोल टैक्स है। तो ऑक्ट्रॉय लिखा हमारे क्वेश्चन में तो हम ऑक्ट्रॉय लिख देंगे। चुंगी कर बेसिकली हम कहते हैं जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारे गुड़ जाते हैं। तो ये लीजिए ऑक्ट्रॉय कितना बच्चों? 10,000। चलिए तो परचेज रिटर्न क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, डैश कर दीजिए, अगर होती तो मैं लेस कर देता, नहीं है मेरे क्वेश्चन में आउटर कॉलम में ले जाइए।
हमारा सेल्स रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो डेस कर दीजिए, आउटर कॉलम में ले जाइए। अगर होता बच्चों तो हम उसे पहले लेस करते हैं, फिर जो भी अमाउंट लेस होने के बाद आते हैं उसे ट्रांसफर करते हैं। बस लीजिए, सारा कंप्लीट हो गया। अब रफ में आप लोग बच्चों डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए और क्रेडिट साइड का। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। याद रखना बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ट्रेडिंग अकाउंट का बिल्कुल बेसिक पॉइंट पढ़ाया है कि ये वन नंबर, ये टू नंबर और ये थ्री नंबर और ये फोर, सॉरी ये तो इसी का पार्ट है, ये फोर नंबर, ये पहले आएंगे। इसके अलावा जो भी आएगा वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। इन चार आइटम के अलावा, इन फोर आइटम्स, वन टू थ्री फोर के अलावा जो भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बच्चों, वो डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। और डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट आपके पास है बच्चों, तो ये लीजिए, मैंने सारा लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है। तो आप लोग रफ में डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, रफ में डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए और क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का टोटल करिए 1,50,000 और 20,170,000, ठीक है, 1,70,000। अब आप लोग डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए, 10,60,70,75,85,90,100,115, तो 1,15,000। चलिए एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों, 1,50,000 और 20, 1,70,000, 10 और 15, 15 और 10, 25, 25, 30, 30, 40, 40, 40 और 50, 50 और 60, 110 और 5, 150। तो अब आप लोग खुद चेक करिए, मेरे कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, मेरी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है बच्चों या क्रेडिट साइड? तो हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। मेरी कौन सी साइड एक्सीड आ रही है बच्चों, ज्यादा है? हमारी डेबिट क्रेडिट साइड। अगर मेरी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। तो मुझे मिलता है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट, हम ऐसे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस इन फिगर। तो हमारा ज्यादा जो आ रही है वो है 170, इधर भी लिखिए 170। हमारी क्रेडिट साइड एक्सेस है डेबिट साइड से, तो हमारी क्रेडिट साइड 170 पर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,15,000। तो आप लोग को पता चल गया, जब हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर लीजिए बच्चों, 1,70,000 में से 1,15,000 लेस कर लीजिए, 0,00,5,6 में से बन गया 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, 55। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बच्चों 55,000। ये हमारा मेनली आंसर है, जिसको कि बच्चों हम बाद में कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अभी नहीं करना, अभी आज हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखना था, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। बस आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक दो काम कर रहे हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले चार आइटम आएंगी, बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है, और सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। बस आप लोग डायरेक्ट एक्सपेंस याद करिए, 15 नंबर मैं दिलवाऊंगा बच्चों आपको इस एग्जाम में, चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग। 15 मार्क्स फ्री के इस चैप्टर के, तो मान के चलिए मेरे तरफ से, सर हमने मान लिया है अब हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना है जरूरी बच्चों। दो काम आप लोगों को करना है मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट सीखना है। कुछ बच्चों के स्कूल में अगर ये कंबाइंड बनाया जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं, कंबाइंड ही बनाया जाएगा क्लास में, आप मेरी क्लास में भी कंबाइंड ही सीखोगे। बस अभी मैं जो आपको सिखा रहा हूँ उसी तरीके से चलिए। तो सबसे पहले आप वन नंबर पे ओपनिंग स्टॉक, सेकंड पे परचेज, लेस रिटर्न ऑलवेज करेंगे, लेस रिटर्न हमेशा करना है, चाहे क्वेश्चन में रिटर्न अवेलेबल हो या नहीं। वैसे बेसिकली आपको बिना क्वेश्चन पढ़े 1, 2, 3, 4 ये चार आइटम लिख देनी है, उसके बाद जो भी आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर हम लास्ट में चेक करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करके। अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो ग्रॉस लॉस मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वेश्चन में आ गया बिकॉज ऑफ हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा थी, जब हमने टोटल किया तो आया, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। ट्रेडिंग अकाउंट आपने सीख चुके हो, इतना चीजें आपको मैंने बोली है वो ट्राई करेंगे आप, ठीक है बच्चों। चलिए, तो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज
शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको पर्सनली कोई डाउट आ रहा है, अगर आपको इस टॉपिक में कोई पर्सनली डाउट आ रहा है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आप लोगों को पता है, भूल गए? अरे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ गिवन है। चलिए फिर भी मैं अपनी आईडी लिख देता हूँ, और मुझे आप फॉलो कर सकते हो मेरे पेज से, फेसबुक पेज पे भी। ये लीजिए बच्चों, मेरी जीमेल आईडी है kumarsandeep9441@gmail.com। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई पर्सनल डाउट आता है या कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन है, मेरे मेल पे आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपका उसको आंसर भी कर दूंगा, उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे मेरे पेज फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज आप लोग सर्च कर लेना, मेरा संदीप एजुकेशन के नाम से है मेरा फेसबुक पेज भी बच्चों, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। उस पर मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट वगैरह, उनके सॉल्यूशन वगैरह, क्वेश्चन वगैरह डाल रखे हैं, पोस्ट कर रखे हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है बच्चों, और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो बच्चों मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड कमेंट करें बच्चों। जय हिंद।